तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के डेली इंफ्रा न्यूज़। दोस्तों पहले अपडेट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आ रही है, जहां पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने ब्रिटेन आइकॉनिक कंट्री क्लब एंड लग्जरी गोल्ड रिजॉर्ट स्टोक पार्क को खरीद लिया है 57 मिलियन पाउंड तकरीबन 592 करोड़ रुपीज़ में। इससे पहले भी मुकेश अंबानी ने 2019 में 216 ईयर ओल्ड ब्रिटिश टॉय स्टोर हैमलिस को परचेस किया था अपना रिटेल सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। दोस्तों अगली अपडेट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आ रही है, जहां पे इटालियन कंपनी फर्म मैर टेक्निमोंट को 450 मिलियन डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट IOC की तरफ से मिला है, जिसमें पारादीप उड़ीसा में पारा जाइलिन प्लांट को सेटअप करने के लिए वो भी 33 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करना होगा। एक बार फुली सेटअप होने के बाद इस प्लांट की फुल कैपेसिटी 800,000 टन पर ईयर होगी। दोस्तों अगली अपडेट इंडियन रेलवेज की तरफ से आ रही है, जहां पे इंडियन रेलवेज 140 मेट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन को 24 आवर्स में ट्रांसपोर्ट किए। फिलहाल इंडियन रेलवेज का ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई से वाइजैग वाया नागपुर टू नासिक, उसके साथ ही लखनऊ टू बोकारो ऑपरेशंस कर रहा है। दोस्तों अगली अपडेट ऑटोमोबाइल सेक्टर की तरफ से आ रही है, जहां पे मारुति सुजुकी ने फिजिकल ईयर 2021 में 180,000 व्हीकल्स को इंडियन रेलवेज के हेल्प से ट्रांसपोर्ट किया गया। इससे टोटल 3,200 मेट्रिक टन CO2 इमिजन भी कम हुआ। तो दोस्तों यही था आज का डेली इंफ्रा न्यूज़। आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। लाइक करें दोस्तों, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो हर किसी तक पहुँचे। कमेंट करें दोस्तों आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखना है, या मैं अपने और वीडियो में क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर एक न्यू डेली इंफ्रा न्यूज़ के साथ। जय हिंद।